मोदी जी का ही कहना था कि भाइयों और बहनों अगर आप वोट करने जाइए तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाइए। अब सिलेंडर को करें नमस्कार, बताइए मोदी जी। संत न छोड़े संतई, चाहे कितने मिले अनंत, अंधभक्त न छोड़े अंधभक्ति, चाहे जूते पड़े अनंत। मान लीजिए तुरंत आपका सर उर घूमने लगा, अब आप चक्कर आके यहाँ पे गिर गए, यहाँ का जितना लोग आपको देख रहा है सब थाली बजाएगा तो आप उठ जाइएगा। जब से कोविड शील्ड को लेकर यूके के हाई कोर्ट से जो फैसला आया, जो सुनवाई की गई है, उसके बाद से जो है भारत के लोग डर गए हैं। तो आइए हमारे साथ अमितेश पांडे जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपको भी डर लग रहा है। देखिए डर तो बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि मोदी जी को हम देखिए बहुत मानते थे पहले। एक समय था कि हम भी बहुत बड़े अंधभक्त हुआ करते थे मोदी जी के। मोदी जी के कहने पे हम थाली भी बजाए थे कोरोना में, टॉर्च भी जलाए थे, लेकिन क्या हुआ, मोदी जी का बात सुन के हम बर्बाद हो गए। मोदी जी का अगर हम बात नहीं सुने होते और वैक्सीन नहीं लिए होते अखिलेश यादव जी का बात मान करके, तो आज हमको डर नहीं होता, आज हम डरे हुए नहीं होते। आपको पता होगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोरोना के समय, महामारी का जो भीषण दौर चल रहा था, उस दौरान रोज आकर के अपील किया करते थे 8 बजे रात को। इतना बड़ा दाढ़ी कर लिए थे और कहते थे, टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके कहते थे, भाइयों और बहनों आप लोग जो है वैक्सीन लगाइए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। और उसका देखो गमछा इसे लपेट लेते थे, इतना दाढ़ी बढ़ा लेते थे, जबकि उनको नहीं पता है कि अगर बीमार आदमी होगा तो इतना बड़ा दाढ़ी रखने से होगा। हार्ट अटैक कहीं आपका अभी दर्द उर्द नहीं ना हुआ? दर्द तो नहीं हुआ है, लेकिन डर लग रहा है। जब भी पता है थोड़ा सा भी इधर चेस्ट में पेन होता है तो हमको लगता है कि हम टपकने वाले हैं। जब भी थोड़ा सा सिर दर्द करने लगता है तो लगता है कि ब्रेन स्ट्रोक आने वाला है। और फिर हमको अभी पछतावा होता है कि काश हम अंधभक्त अगर अभी भी होते ना तो हमको ब्रेन स्ट्रोक नहीं आता। नहीं आता? नहीं आता। अगर हम अंधभक्त होते अभी भी तो हमको हार्ट अटैक नहीं आता। आपको पता होगा हमको ब्रेन स्ट्रोक इसलिए नहीं आता क्योंकि अंधभक्तों को ब्रेन स्ट्रोक नहीं आता है। काहे नहीं आएगा? काहे नहीं आएगा? अभी तो कोविड चल रही है। हाँ, इसलिए उनको देखिए, इसलिए ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा क्योंकि उनके ब्रेन में गोबर भरा हुआ है। गोबर कहाँ से भर जाएगा जी? गोबर भरा हुआ अंधभक्तों के ब्रेन में, इसलिए उनको महंगाई नहीं दिखती है, बेरोजगारी नहीं दिखती है, भुखमरी नहीं दिखती है। कोविड शील्ड से महंगाई का क्या लेना देना? अंधभक्तों का लेना देना बीमारी नहीं है, बीमारी हो खाली बजाइएगा, बीमारी कुछ हो जाएगा तो कौन बोल रहा है? बजाइएगा कौन बोल रहा है? फिर वही बात, कौन आप थाली बजाइएगा, आपसे हम पूछ रहे हैं। काहे बजाएंगे? अगर मान के चलिए आपको ऐसे ही बिना हॉस्पिटल जाएंगे ना जी, थाली काहे बजाएंगे? गर्मी का दिन है, मान लीजिए तुरंत आपका सर उर घूमने लगा, अब आप चक्कर आके यहाँ पे गिर गए, यहाँ का जितना लोग आपको देख रहा है सब थाली बजाएगा तो आप उठ जाइएगा? हॉस्पिटल ले जाएगा तब ना? नहीं, हम थाली बजाएंगे। बजाइए, आपका मन है। यही बात है, तो गलत है कि सही है थाली बजाना? थाली बजाना तो गलत है, कोई बीमार पड़ा तो आप बजाए थे कि नहीं बजाए थे थाली? नहीं बजाए थे। नहीं बजाए थे तो आप मोदी जी को नहीं मानते हैं? मोदी जी को हम क्या मानेंगे, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे कि हम देश हित में थाली बजवाए हैं। कोरोना में जो भी लोग, कोरोना वॉरियर्स के लिए आप थाली बजाइए, कोरोना वॉरियर्स के लिए आप ताली और थाली बजाइए, कोरोना वॉरियर्स के लिए आप टॉर्च जलाइए। तो आपको कोरोना वॉरियर्स से प्यार नहीं था, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। कोरोना वॉरियर्स? कोरोना वॉरियर्स मोदी जी कहे थे, कोरोना वॉरियर्स, जो भी लोग कोरोना से लड़ रहे हैं वो कोरोना वॉरियर्स हैं। कोरोना वॉरियर्स हैं, जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं वो कोरोना वॉरियर्स हैं, और उनके लिए थाली बजाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए ताकि वो कोरोना से इस लड़ाई को जीत सके। तो आप थाली बजाए थे कि नहीं? क्या लग रहा है, इतना बड़ा फैसला आया उसके बाद भी मोदी जी जो है 400 पार करेंगे? 400 पार कुछ नहीं होने वाला है, जुमला है। मोदी जी एक्सपोज हो चुके हैं देश के जनता के सामने, और अंधभक्तों की भी नहीं चलने वाली है। फिर भी तो गांव में लोग कह रहे हैं कि मोदी 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 बोलने ना दीजिए। देखिए, संत न छोड़े संतई, चाहे कितने मिले अनंत, अंधभक्त न छोड़े अंधभक्ति, चाहे जूते पड़े अनंत। अंधभक्तों को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भ्रष्टाचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोरोना का जो दुष्प्रभाव हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंधभक्त सिर्फ मोदी 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 माला जपते रहेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं भी पहले अंधभक्त था, इसीलिए इस चीज को आपको बता रहा हूँ। अभी भी तो आप मोदी 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 कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं मोदी मोदी, हम सच्चाई को उजागर करने का काम कर रहे हैं। जितना भी आपका वीडियो है खाली मोदी मोदी। कब हम मोदी का समर्थन किए हैं? विरोध भी कर रहे हैं तो मोदी जी का नाम लेके कर रहे हैं। अच्छा, तो क्यों नहीं करेंगे? अपने सुनिए, अगर ठीक है पार्टी का, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं कि नहीं? हाँ या ना खाली बताइए पहले। बिल्कुल है ना? तो आप हमको एक बात बताइए, अपना ना गिनिए पहले। नहीं, पहले आपसे भी सवाल होगा। सवाल सिर्फ मैं, जवाब सिर्फ मैं नहीं दूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए तब मैं भी दूंगा। बोलिए तो पूछे सवाल। सवाल तो पूछिएगा पहले। सवाल जब भी होगा, सुनिए, आप कह रहे हैं कि हम मोदी जी का विरोध करते हैं, आप पहले बताइए। जब भी सवाल पूछा जाएगा, हम विरोध नहीं, सवाल पूछते हैं उनसे, और वो जवाब नहीं देते हैं तब विरोध करते हैं।
सवाल जब भी पूछा जाएगा, आज के प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि नेहरू जी से पूछा जाएगा, जवाब आज के प्रधानमंत्री से पूछा, आज के प्रधानमंत्री जी से ना। अगर हमारे पहले के प्रधानमंत्रियों ने कुछ गलतियां भी की होंगी तो हम मानते हैं गलती की है, नहीं हर सरकार से गलती होती है, अगर की होंगी पहले भी तो फिर भी सवाल आज के प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि पहले वाले से, आज जो चल रहा है, आज जो चल रहा है उससे ना। अगर गलती पहले हुई भी है तो आपको हम सुधारने के लिए चुने थे ना जी, बिल्कुल, तो आप क्यों नहीं सुधार पाए? आपको हम क्यों चुने थे कि आप रोजगार देंगे? दो रोजगार दिए, नहीं दिए। आपको क्यों हम चुने थे कि महंगाई आप कम करेंगे? महंगाई कम कर पाए? नहीं कर पाए। मोदी जी का ही कहना था कि भाई और बहनों अगर आप वोट करने जाइए तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाइए। अब सिलेंडर को करें नमस्कार, बताइए मोदी जी। कड़वा तेल को भी कीजिएगा प्रणाम, कड़वा तेल, पेट्रोल, डीजल, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, जल्दी भगाओ भाजपा सरकार। तो इस बार क्या लग रहा है, भागेगी भाजपा सरकार? बिल्कुल, देखिए इस देश में युवाओं की आबादी काफी ज्यादा है और इस देश का 75% से भी ज्यादा युवा बेरोजगार है और इसीलिए युवा कहे आज का जल्दी भगाओ भाजपा। चलिए ये तो देखने वाली बात होगी, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो यहाँ से भाजपा जाती है या कांग्रेस आती है, इसमें कोई बात नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अच्छे दिन आने वाले हैं और भाजपा इस देश से जाने वाले हैं। हाँ। बिल्कुल, भाजपा पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म, तब और क्या। जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाएगा वैसे वैसे भाजपा के नेता थरथराएंगे और भागना शुरू करेंगे। कौन डालेगा, कौन डालेगा? जो ईमानदार लोगों की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार जैसे ही आएगी सारा कुछ एक्सपोज होने वाला है भाजपा का, किसने किससे कितना चंदा लिया, किसकी किसका किससे संबंध था, किसने कितना भ्रष्टाचार किया, किसने किससे कितने पैसे लिए, सारा कुछ एक्सपोज होने वाला है। और जैसे ही एक्सपोज होगा वो लोग जेल जाएंगे। ये तो देखने वाली बात होगी जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, देश के कौन प्रधानमंत्री बनते हैं और देश में किसकी सरकार आती है, कौन भागता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।